वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के बे हिस्से में पा गाल बोल कंदासीं जस्टिस जी आफरीदी जी मुकररी के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के तरफा जस्टिस जी आफरीदी जी मुकररी की आजियां कई वही है, तो बे पासे कराची बार एसोसिएशन इन फैसले की मुखालिफत कई है। पा इन भी गाल बोल कंदासीं, गडोग गाल बोल कंदासीं तो जी जजिस के अंदर डिवीजन है, जस्टिस जी आफरीदी की मुकररी का पोई या डिवीजन खत्म थी वेंदी, जी अदालती निज़ाम है असो उन में सुधारा भी इंदा। पा इन भी गाल बोल कंदासीं, तासुर यो इन वक्त बिल्ड किया पो वे थी सके वकला के तरफा या तहरीक शुरू कई वे जस्टिस या आफरीदी की मुकररी जी उनके खिलाफ या वो छह छवी आइनी तरमीम के खिलाफ। इन हवा से भी मुख्तलिफ जो मौकुफ़ गर्दिश कन पाया उन हवा से पा गाल बोल कंदासीं। गडोगड सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जो मौकुफ़ मालूम कंदासीं। इन वक्त असें टेलीफोन लाइन से जॉइन किया है बैरिस्टर सरफराज मेतलो, पा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जहा जनरल सेक्रेटरी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहा वकील भी। बैरिस्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम सर, बड़ी मेहरबानी अमा प्रोग्राम लाए वक्त कढ़ियो। सर सब का पहिरा त अमा जो स्टांस जान चाहिंदासी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो जस्टिस यहिया आफरीदी जी मुकररी ते सर छा स्टांस आए? असा सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची जे तरफों जस्टिस यहिया आफरीदी जे मुकररी जो खैर मुकदम कयो आहे, बिल्कुल आइन जे आइन मुताबिक आहे, जेके माण्हू या गाल चवन था आउट ऑफ टर्न थियो आहे इहो बिल्कुल ग़लति आहे। छाकाणि त आइन जॾहिं इहा ॻाल्हि मुहैया करे थो त तव्हां कनि ॿिटिनि माण्हुनि माण्हू तमामु पार्लिमानी जमातुनि जा माण्हू गॾिजी टू थर्ड मेजोरिटी सां चूंडनि, त पोइ मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हिन में को मज़ाक कान्हे का। अच्छा सर, कराची बार एसोसिएशन इन फैसले की मुखालिफत कई है जस्टिस यही आफरी की मुकररी, उनकी का कानूनी वर्थ है, को कानूनी हैसियत है उन मुखालिफत की? ॾिसो, हुनजी को कानूनी जवाब कोन्हे। हिकिड़ो उन बार एसोसिएशन जो सदर साहब जेको आहे उन इहो बि कोन ॿुधायो त आख़िर हिन खे कहिड़ी रिज़र्वेशन आहे, ऐं मुंहिंजो ज़ाती ख़्यालु आहे त हुन खे इन शइ जी ख़बर बि कोन्हे का, ऐं हू हिकिड़ो मखसूस माण्हू जे गिर्द वेठा हुआ उन्हनि खे को उहे उहे ई माण्हू आहिनि जंहिंजो अॼु खां अठ ॾींहं अॻु में इहो डिमांड हुई त तव्हां अपर एज लिमिट न वधायो ऐं कंहिं शख़्स फर्द वाहिद जे लाइ अमेंडमेंट न कयो ऐं सुप्रीम कोर्ट जी अलॻि कोर्ट न ठाहियो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, पर तव्हां सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि बेंच ठाहियो। हाणे जॾहिं उहे सभु ॻाल्हियूं हुन मञे वरितियूं आहिनि त वरी हाणे हिनखे फसाद करण जे लाइ हिकिड़ी नई नओ इशू क्रिएट करिणो आहे, हाणे हिनखे इहो इशू नज़र थो अचे, ईअं कोन्हे। अच्छा मेत्रो साहब, असां अवां खां कुझु वधीक बि हिन ते कानूनी राय वठंदासीं। पाण ॾिठोसीं त जॾहिं जस्टिस काज़ी फ़ाइदी साहब चीफ जस्टिस हुया, यकीननि हाणे छवीह तारीख़ त यही आफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस तौरु हलफ़ खणनि पिया। पहिरियां नज़र आई असांखे सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जजिस जे अंदरि डिवीज़न, छा हाणे जेको नओं चीफ जस्टिस थिए पियो इन सां डिवीज़न ख़तमु थी वेंदी? छो त हिकिड़ो तासुरु इहो बि आहे त जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर हुयो, उन खां बाद में मुनीब अख़्तर जो नंबर हुयो, ऐं पोइ जस्टिस यही आफरीदी हुयो। सभ खां पहिरियों त इन शइ खे क्लियर करणु घुरिजे त सीनियर कहिड़ो, इहा जाली सीनियरिटी ही। सभ खां सीनियर जज हुयो असांजे सिंध जो जस्टिस अहमद अली एम शेख, पूरे पाकिस्तान में उन वक़्तु सीनियर तरीन जज हुयो ऐं सिंध जी कोटा ही, ऐं जेकॾहिं उन वक़्तु हुनखे वक़्ताइते तौर ते सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कयो वञे त हू टे साल पाकिस्तान जो चीफ जस्टिस रहिया। सिंध खे उन हक़ खां महरूम करण जे लाइ हुननि पंजाब में वञी हिकिड़ो जज कयो जंहिंखे मंसूर अली शाह चयो आउट ऑफ टर्न। उनखां पोइ जॾहिं हुननि इहा कैलकुलेट कई त मंसूर अली शाह फलाणे सन में रिटायर थींदो त पोइ असांजो कहिड़ो चीफ जस्टिस हुजणु घुरिजे, वरी हुननि सिंध मां चोथे नंबर तां जस्टिस मुनीब अख़्तर साहब खे खयो, वरी बि अहमद अली शेख जो वारो हुननि मारियो। त इहे जेके जाली तरीक़े सां सीनियरिटियूं जोड़ियूं वयूं आहिनि अकरबा परवरी जे बुनियाद ते, इन्हनि सां इहो ई थींदो। अल्लाह ताला चयो आहे मकरू व मकरुल्लाह वल्लाह ख़ैरु माकिरीन, तव्हां तदबीरूं कयो ऐं अल्लाह ताला जे साम्हूं इहे सभई तव्हांजूं तदबीरूं धरियूं जो धरियूं रहिजी वेंदियूं। ऐं इहो ई थियो आहे, तव्हां हिकिड़े फ़क़ीर माण्हुनि जी तव्हां सीनियरिटी मारी, अहमद अली एम शेख सिंधी हुयो, बाज़ारि हुन जा एतिरा वारस कोन हुआ, पर अलाह बि त आहे न। अॼु जॾहिं हुनजो वक़्तु पूरो थियो आहे त अल्ला ताला हुनजी सॼियूं प्लानिंग पाणी फेरे छॾियो। इहो कहिड़ो तरीक़ो आहे त तव्हां अॻियां वीहनि सालनि जी प्लानिंग कयो त हाणे हिनखे आउट ऑफ टर्न न खणनि हा न? जेकॾहिं सीनियरिटी जा एॾा क़ाइल आहिनि, अॼु सीनियरिटी जी ॻाल्हि था कनि, इहो कहिड़ो तरीक़ो आहे त सॼी उमिरि सां चवां चोरी जो माल करे जमो ऐं पोइ वरी हाणे अचनि त चोरी ते पाबंदी, माल पहिरियों त कढो न। सही, बिल्कुल ग़लति आहे, ऐं सीनियरिटी जी जेकॾहिं ॻाल्हि करणी आहे सही खां करणी आहे, पोइ उनमें असां तव्हां सां सभिनी सां
वकील बिरादरी बदल है तो वह पूरे पाकिस्तान में यकसा सीनियरिटी हुई को भी हाई कोर्ट में आउट ऑफ टर्न जज एलिवेट न थन घुर्जे सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस थे घुर्जे यो बिल्कुल सही उसूल है पर तुम सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी मैनिपुलेट कर चौथे पंजे छह नंबर तो हाँ लाहौर में खया तो जज सिर्फ इन ख्याल रखो तो ये असा फेवरेट हैं ये हाँ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस मुल्क जो वागू ये संभाली तो वो जी अस अगत अजारादारी हल इन अजारादारी जो तोड़ अल्लाह ताला कढ़ कें को चखी लदो अज को पंज साल अग में तो हे छवी अमेंडमेंट इंदी है इन मानून की या चीफ जस्टिस प्लान कही है ये लुढ़ी वेंदी आला लोढ़ी है उनके उनके ॾेखारो ॾिनो सही हिंसर भी वक्त है तो ये पान के सुधारन अड़े किस्म जो हक तलश न कन जे न मंजूर थी वही है हाँ लागू भी वही खुसूसी पार्लियामेंटी कमेटी भी ठही है नए चीफ जस्टिस की मुकर्री दा भी सब शूं थी वही नामजदगी थी वही है नोटिफिकेशन भी जारी थी है अवां समझो पे हाँ अदालती निज़ाम जो असो है जैमें केस इल्तवा जो शिकार भी इनमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल केसिस भी तो कुछ आम मानू जहाँ केसिस भी कत्ल फाही जो सजाओं उनके खिलाफ़ अपीलों में मानू वन साल साल गुजरी वन लेकिन उनको वारो को समझो तो हाँ अदालती निजाम में का तब्दीली इंदी का बेहतरी इंदी को आम मानू के रिलीफ मिल दो दिसो कहें भी मुस्तकबल जो चखी न लदो है असा चवणी है ना पर एतरी जरूर है तो मानू नवा नवा तरीका इजाद कंदो है बीमारी जो इलाज किस्म जो तजर्बा कंदो है ही एको नो तजर्बो थियो है तो उहे केस जेके सजी सुप्रीम कोर्ट के मफलूज करे था छडन हर वकील जो आम पॉइंट से टीह टीह वकील उन पॉइंट के पूरे पाकिस्तान में जो वॉलंट्री थी पेश थी उनके खड़ा पूरी सुप्रीम कोर्ट मफलूज थी वे वरी बेंचुन से मुख्तलिफ क्या एतराज उथन था उन सभी शयन के एड्रेस कर मखसूस बेंच ठाई वही है हाँ अड़े किस्म के केसन के उ बेंच दिसंदी बाकी जे भी केस आन उ आम बेंचुन में पांजे तसलसल से हलण की तवक कर सकजे थी उम्मीद है छाकाण त चीफ जस्टिस जो टर्म भी डिटर्मिंड है तो टिन साल चीफ जस्टिस हों तो इस्तकाम अदालतों में इस्तकाम मुल्क के अंदर भी इस्तकाम रोजमर्रा की इस तरह भी सूरत हाल पैदा थी वे पी उन भी इन सा हौसला शिकनी थी अच्छा बैरिस्टर साहब छा मुकर्री के कें फोरम से चैलेंज कर सकजे तो ऐसो उसूलन त आईन के कें भी शिक के कें बे शिक के बुनियाद से चैलेंज नथो कर सकजे पर जैं केर कर चाहे तो यही सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जो इन शे के चैलेंज से कर सकजे तो ठीक है अच्छा बैरिस्टर साहब जैं जस्टिस ज़िया अफरीदी इनकार करे चीफ जस्टिस थियण का पोए मां समझो पे तो एक भेरो बीहर वरी असीं आईनी बुहरान की तरफ इंदासीं कोई आईनी बुहरान कोन थींदो वरी बकाया जेके ॿिया जज आहिनि उन्हनि मां यही कमेटी सुभाणे पर छंछर जड़ी उथ न खयो तो छंछर जड़ी बी कमेटी वेझी वेंदी ॾिसो बार जो इहो नाहे त आफरीदी थिए मंसूर अली शाह थिए मुनीब अख्तर थिए या को अञा मंदो खेल थिए चौथों थिए पंजों थिए बार जो इहो आहे जेको बि माण्हू अचे त इदारे में इस्तहकाम थिए ही चंद सियासी माण्हुनि खे सहूलतूं ऐं न सहूलतुनि जो मसलो आहे आवाम माण्हू आम माण्हू जो इहो मसलो ई नाहे सही अच्छा आखिर में बस असां इहो ॿुधाए दो जेकॾहिं का वकीलन जे तरफ़ां का तहरीक जो छो ॻाल्हियूं हलनि पियूं त वकील तहरीक जे तरफ़ बि वञनि पिया ऐं हिनखे सुप्रीम कोर्ट में बि चैलेंज कयो वियो आहे ग़ालिबनि सिंध हाई कोर्ट चैलेंज कयो वियो आहे त छा मां सम्झो पिया त इहा तहरीक जेका कासराइती थींदी हिन जे लाइ के ॾुखियाऊं पेश थी सघंदी हुकूमत जा अहिड़ी का तहरीक कान हलंदी इहा तहरीक उन माफ़िया जी ख़्वाहिश आहे जन इहे सुप्रीम कोर्ट ऐं हाई कोर्ट में पंहिंजे मर्ज़ीअ जूं ताइनातूं करण लाइ हिकिड़ी वीहनि सालनि जी मनसूबाबंदी कई उहा हुनजी मनसूबाबंदी जो लुढ़ी वई आहे त हाणे उहो धाड़ घोड़ा था कनि ऐं ॿार जो अहिड़ो को मौक़िफ़ु न आहे कंहिं बि क़िस्म जी तहरीक हलाइण जो मां सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो नुमाइंदो आहियां जनरल सेक्रेटरी जी हैसियत सां इहा ॻाल्हि वाज़िब कंदो थो हलां ऐं पाकिस्तान बार काउंसिल सिंध बार काउंसिल जेका तमामु सिंध जे वकीलनि जी रेग्युलेटरी बॉडी आहे उन्हनि बि हिन जो ख़ैरु मक़दम कयो आहे लिहाज़ा अहिड़े क़िस्म जी का बि तहरीक हलण जो को इम्कान कोन्हे बाकी चंद टोला जेके मफ़ाद परस्त जन जी हिकिड़ी इहे प्लानिंग्स हुयूं त हाणे असांजा पुट वरी असांजा पोटा भाटिया ऑफिसुनि जा माण्हू सभु जज थींदा उन्हनि जी इहा प्लानिंग लुढ़ी आहे उन्हनि खे कुझु अर्से जे लाइ इहो सदमो रखंदो ठीक है वही मेहरबानी बैरिस्टर सरफराज मेहतलो साहब मां प्रोग्राम लाइ वक़्तु नाज़रीन बैरिस्टर सरफराज मेहतलो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जा जनरल सेक्रेटरी उन्हनि पंहिंजो छवीं आईनी तरमीम खां पोइ जेके नए चीफ जस्टिस जी मुक़ररी आहे उन ते पंहिंजो मौक़िफ़ु अवां जे साम्हूं रखियो ऐं उन्हनि जस्टिस ज़िया आफरीदी जी मुक़ररी जी आजियां कई आहे नाज़रीन प्रोग्राम में वक़्तु पहुतो पुॼाणी ॾींदा इजाज़त अलाह हिन खे पाण